भारतीय कृषि में, भारतीय किसान में स्व के आधार पर काल सुसंगत परिवर्तन लाकर सब प्रकार के जीवन को संपन्न करने वाली कृषि, ये आपको जरा खींच तान कर मैं कह रहा हूं, ऐसा लगता होगा, ऐसा नहीं है। हम जो कुछ है आज, हमारी रीति रिवाज, हमारा सोचने का ढंग, हमारी दुनिया में देखने की दृष्टि, ये सब कुछ हमको खेतों से और जंगलों से मिला है। इसके मूल में जाइए, हमारा सारा विचारधन प्राचीन जो श्रमण धारा और ब्राह्मण धारा चलती थी उसके आधार पर आगम निगम जैनागम वगैरह सब जो हुआ है, तथागत के काल तक का सब तत्वज्ञान, ये सारा तत्वज्ञान ऐसा क्यों बना, उसका कारण हमारे खेत और जंगल है। तथागत में महल में बैठकर ये चिंतन नहीं किया, उन्होंने तपस्या की, बोधि प्राप्त हुई उनको वृक्ष के नीचे, सीमेंट के स्लैब के नीचे नहीं मिली। वहां हमने जीवन का अनुभव लिया, वहां हमने प्रकृति का निरीक्षण किया, वहां हमको साक्षात्कार हुआ कि दिखती अलग अलग है लेकिन हम और वो जुड़े हैं, एक ही तत्व के अलग आविष्कार है, हमको मिलकर ही चलना है क्योंकि हम एक दूसरे पर निर्भर है। और इसलिए भगवद्गीता जैसे तत्वज्ञान के ग्रंथ में भी पर्जन्य का वर्णन है, सृष्टि चक्र का वर्णन है और कहा है कि इसको खंडित करने वाले महापाप के भागी है।